साल 1999, 20वीं सदी का समापन और गैस की 21वीं सदी का आगमन। ऐसे ही समय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पुरोधा तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले इटावा के पाता में उत्तर भारत के एकमात्र गेल के प्राकृतिक गैस आधारित इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया था। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना ने इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया और यह क्षेत्र नए निर्माणों, नई सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं, रेलों के अधिक आवागमन इत्यादि के साथ विकास के पथ पर तेजी से चल पड़ा है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर भारत के उत्तरोत्तर विकास में योगदान का बीड़ा उठाया है। सरकार के इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में गेल ने पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की पॉलीमर उत्पादन क्षमता को दोगुना कर दिया है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में पॉलीमर प्रोसेसिंग, संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, मशीनों और उपकरणों के निर्माण तथा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई पहलों और संभावनाओं का विकास होगा और इनके चलते इस क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अनेक नए अवसर निर्मित होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से बनने वाले दबाव को कम करते हुए ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा। सीपेट तथा कौशल विकास के अन्य केंद्रों की स्थापना से कामगारों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा और पाता पेट्रोकेमिकल संयंत्र मेक इन इंडिया को सही मायनों में चरितार्थ करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान करेगा। गेल के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ये गर्व की बात है कि इसने अपने उत्पादों का निर्यात प्रारंभ कर दिया है। गेल इंडिया लिमिटेड एक पर्यावरण संवेदनशील कंपनी है जो सदैव निरंतर विकास के प्रति अपनी कटिबद्धता बनाए रखती है। पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शीघ्र ही सारे साल उपलब्ध रहने वाली धूप का उपयोग करते हुए छत पर लगने वाली सौर ऊर्जा परियोजना को प्रारंभ करेगा। इस प्रकार प्रजनित पावर की खपत कॉम्प्लेक्स में ही हो जाएगी। परिणाम स्वरूप ग्रिड पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। आज पेट्रोकेमिकल देश के विकास और प्रगति का अभिन्न हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल उत्तर प्रदेश अपितु देश के चहुमुखी विकास में अहम भूमिका निभाएगा।